गुड इवनिंग दोस्तों, आज रविवार का दिन है और अमूमन मेरा ये एक अलिखित नियम है, कानून एक नियम है कि मैं रविवार के दिन पूरी तरह से परिवार के प्रति समर्पित रहता हूं और खबरों की दुनिया से दूर रहता हूं, किसी भी तरह के आक्रोश से दूर रहता हूं और पूरी तरह से सकारात्मक रहता हूं। मगर बनारस विश्वविद्यालय में मेरे युवा दोस्तों के साथ, लड़कियों के साथ जो हुआ है उसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं आपसे आकर मिलूं। और आप लोग में से कई लोग लगातार मुझे संदेश भी दे रहे थे कि आपको इस पर बोलना चाहिए, आप इस पर खामोश कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने इस पे कि कोई इस पर खामोश कैसे रह सकता है। मगर इस खामोशी के टूटने के बाद आज मैं तीन सवाल आपके सामने रख रहा हूं। क्या आजाद भारत के इतिहास में कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसकी लोकसभा सीट में छात्राओं पर, लड़कियों पर लाठीचार्ज किया गया हो और उसके ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री की खामोशी बनी हुई है, क्योंकि ये उनकी अपनी लोकसभा सीट है, बावजूद इसके खामोशी बनी हुई है। क्या आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि लड़कियां जो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हैं, जो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही हैं, उन्हें आरएसएस के स्पॉन्सर्ड गिरीश चंद्र त्रिपाठी, जो कि वाइस चांसलर हैं बीएचयू के, उन्हें एंटी नेशनल करार दिया है, देशद्रोही करार दिया है? वाकई मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये लड़कियां अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हैं। उनके साथ किसी ने छेड़खानी की थी, उनकी मांग क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो वीडियो। इस वीडियो को देखिए मगर बगैर आवाज के। ये देखिए, पुलिस गेट पर है और ये देख रहे हैं आप, एक लड़की है जिस पर लाठीचार्ज किया गया है। मगर अब मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो आवाज के साथ देखें, क्योंकि ये चीखें बहुत कुछ कहती हैं। ये वीडियो फिर से देखिए और देखिएगा किस तरह से पुलिस दौड़ती है इन एंटी नेशनल्स की तरफ और उन एंटी नेशनल्स में एक लड़की गिर जाती है और उस लड़की के सिर पर लाठी एम की जाती है। ये देखिए, तो देखा आपने हमारी बहादुर पुलिस का कारनामा, किस तरह से एक एंटी नेशनल को होश ठिकाने लगा दिया इन्होंने। यह हमारी बहादुर पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस। यही तो होना चाहिए एंटी नेशनल्स के साथ। ये वो एंटी नेशनल्स हैं जो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा इन एंटी नेशनल्स की शिकायत क्या थी मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि आपको पता चले कि इस महान यूनिवर्सिटी और सरकार ने क्या किया है। अगर आप देख पा रहे हैं, हम सब नवीन महिला छात्रावास की छात्राओं को आए दिन अनेक सुरक्षा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्रावास में आने का मार्ग सुरक्षित नहीं है, रात में सुरक्षा अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है, आए दिन रास्ते में छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्राओं को भी इस क्षेत्र से अभद्रता का सामना करना पड़ता है, जो कि हम सबके लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। अब ये सुनिए,
अगर इस पर भी किसी को शर्म नहीं आएगी तो मैं न जानते क्या होगा। लड़के छात्रावास के बाहर आकर आपत्तिजनक हरकतें करते हैं, जैसे मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन, पत्थर फेंकना, आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए निकलना। लड़के इन एंटी नेशनल लड़कियों के छात्रावास के बाहर आते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, शब्द नहीं रह जाते मेरे पास दोस्तों। ये जो लड़कियां रह रही हैं छात्रावास में, उसमें आपकी बहन भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी कोई जानकार हो सकती है, मगर इन लड़कियों के साथ क्या किया जाता है, ये किया जाता है इन लड़कियों के साथ। किसने मारा है? मेल पुलिस या महिला पुलिस? किन लोगों ने मारा है आप लोगों को? अगर आपने सुना होगा, लड़की के पैर पर चोट है, सिर पर चोट है, और उनका कहना था कि इन्हें पैरों से कुचला गया है, सिर पर मारा गया है। क्यों ना मारे भाई, एंटी नेशनल्स हैं। क्या फर्क पड़ता है कि अगर अपनी इज्जत की लड़ाई कर लड़ रही हैं? क्या फर्क पड़ता है कि अगर इनके छात्रावास के बाहर जो है लड़के आकर अभद्र हरकतें करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के का जो प्रशासन है वो जुगाली हस्तमैथुन में लगा हुआ है। आप जानते हैं मेरे युवा दोस्तों, तुमने क्या गुनाह किया है? क्योंकि जो लेटर है ना दोस्तों, ये लेटर उन्होंने दिया था, इस लेटर की आखिरी पंक्ति क्या कहती है? अगर किसी छात्रा के साथ कोई अभद्र या कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन स्वयं होगा। आपने जानते हैं क्या कर दिया आपने? दरअसल एक बहुत बड़ी बात कर दी आपने, अपनी इज्जत की जिम्मेदारी प्रशासन पर थोप दी दोस्तों। आपने इन्हें कटघरे में रख दिया। तो आज मैं बीएचयू प्रशासन, आज मैं योगी जी, इन सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं उनसे, और वो सवाल मेरा ये है कि क्या हस्तमैथुन करने वाले देशभक्त हैं छात्रावास के बाहर, या अभद्र करने वाले लोग, अभद्र हरकतें करने वाले देशभक्त हैं? क्या कुर्ते में हाथ डालकर इन लड़कियों को छेड़ने वाले लोग देशभक्त हैं? किस सम्मान से नवाजा जाना चाहिए इन देशभक्तों को जो लड़के हॉस्टल के सामने इस तरह की हरकतें करते हैं? और जिन लड़कियों को आपने देशद्रोही करार दिया है, बताइए किस चौराहे पर इनको लटकाया जाए? बताइए, बताइए किस चौराहे पर लटकाया जाए? क्योंकि मुझे तो याद है किसी ने कहा था कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, नोटबंदी को लेकर मुझसे गलती हो जाए, तो मुझे चौराहे पे लटका देना। कहा था कि नहीं कहा था? दोस्तों यकीन मानिए, ये जो युवा लड़कियां हैं ना, मेरी जो ये नन्ही दोस्त हैं, ये खुशी से उस चौराहे पर पहुंच जाएंगी जिन्हें आपने देशद्रोही करार दिया है, खुशी से इन चौराहे पर पहुंच जाएंगी। और जानते हैं सबसे ज्यादा दुखद पहलू क्या है? सबसे दुखद पहलू है ये, बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार सबसे दुखद पहलू यह है। आप चुनिए चौराहा योगी जी, आप चुनिए चौराहा गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, ये लड़कियां वहीं पहुंचेंगी और ये वादा खिलाफी नहीं करेंगी अन्य लोगों की तरह। कुछ अन्य लोग थे जो अपने वादे से मुकर गए थे, मगर ये लोग वादा खिलाफी नहीं करेंगे। आज मैं आपको कटघरे में रख रहा हूं योगी जी,
आप न सिर्फ एक सीएम का फर्ज नहीं निभा पाए हैं, एक मुख्यमंत्री का फर्ज आप नहीं निभा पाए हैं, बल्कि एक पिता का फर्ज भी आप नहीं निभा पाए हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर आपको संवेदनशील होना चाहिए था, इस मुद्दे पर आपको उनका दर्द समझना चाहिए था, मगर आप ऐसा नहीं कर पाए। आप बताइए क्या दोष है उन लड़कियों का, बताइए क्या दोष है उन लड़कियों का जो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर जब वो अपनी आवाज के साथ सामने उभर कर आती हैं तो आप उन्हें एंटी नेशनल शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हें देशद्रोही करार देते हैं। ये आपकी अक्ल है, ये आपकी समझ है। देखिए दुखद बात क्या है कि जब तक आप इस सरकार की भक्ति करते रहेंगे, जब तक इस देश का युवा इस सरकार की भक्ति करते रहेगा, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे, पर जब आप सवाल खड़ा करना शुरू कर देंगे तो आपको देशद्रोही जैसे तबकों से नवाजा जाने लगेगा। आपको देशद्रोही सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने अपने हक की बात की है, आपने हक की बात की है उस सरकार से जिसको आपका दर्द समझना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप क्या यह महज इत्तेफाक है कि आज की तारीख में हर कैंपस में युवा जो है वो नाराज दिखाई दे रहा है? आईटी मद्रास में देखिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस कॉलेज में क्या हुआ वहां देखिए, जेएनयू में आपने क्या माहौल पैदा करने की कोशिश की वो देखिए, हर तरफ वही माहौल दिखाई देता है, हर तरफ वही माहौल दिखाई देता है। क्या यह महज इत्तेफाक है? और क्या यह महज इत्तेफाक है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां आपके छात्र संगठन एबीवीपी को हार का सामना करना पड़ रहा है? क्या यह महज इत्तेफाक है? क्योंकि मुझे याद है जब 2015 में एबीवीपी को जीत मिली थी तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था, क्या कहा था आपको याद है, कि यह विचारधारा की जीत है। और अब जबकि आपका छात्र संगठन हर यूनिवर्सिटी कैंपस में हार रहा है तो क्या यह माना जाए अमित जी कि यह विचारधारा की हार है? क्या हर यूनिवर्सिटी कैंपस में जब इस तरह की अराजकता दिखाई दे रही है, इस तरह की अराजकता दिखाई दे रही है, तो यह नहीं पता चलता कि युवा किस कदर दुखी है? और आज तो हद ही हो गई वाकई। देखिए बहुत सामान्य घटना नहीं है, यह बनारस की घटना है, यह अप्रत्याशित है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र से इस कदर महिलाओं पर, लड़कियों पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, वो लड़कियां जो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हैं, और उन्हें बीएचयू के वाइस चांसलर जो हैं एंटी नेशनल करार देते हैं। मजाक बनाकर रख दिया है आपने राष्ट्रवाद का, मजाक बनाकर रख दिया है इस सरकार की सोच से इत्तेफाक रखने वालों और उनके चाटुकारों ने, मजाक बन के रख दिया आपने, बनाकर रख दिया आपने। और जानते हैं सबसे दुखद बात क्या है? सबसे दुखद बात यह है जो तमाम प्रोपेगेंडिस्ट हैं, यानी कि इस घटना को सही ठहराने के लिए दो किस्म के लोग सामने उभर कर आ रहे हैं। एक तो वो जो कि इस सरकार के कट्टर समर्थक हैं, सोशल मीडिया पर आप उन्हें देख रहे हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या कहा था गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने वाइस चांसलर को, मतलब प्रशासन ने क्या कहा था बीएचयू के, कि तुम्हें क्या जरूरत थी बाहर जाने की उस लड़की को जिसके साथ छेड़खानी हुई थी। और यही नहीं, कुछ पत्रकार भी, मैं उनके स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ पत्रकार भी वो ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे पत्रकार, उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप तब नहीं किया जब यह घटना हुई, वो इस मामले में तब आए जब लखीमपुर खीरी की एक तस्वीर को शेयर किया गया यह बताकर कि यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक लड़की की तस्वीर है। वो जाहिर सी बात है गलत तस्वीर थी, और उस तस्वीर को शेयर किया प्रशांत भूषण से लेके मृणाल पांडे से लेके और भी कई नामी गिरामी लोगों ने, उनसे बहुत बड़ी भूल हुई। मगर मेरा सवाल ऐसे एक्सपर्ट्स से है, उन तमाम पत्रकारों से है जिन्होंने इस झूठ को एक्सपोज किया। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं पर लाठीचार्ज हो रहा था तो आप खामोश क्यों थे?
जब उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा था प्रशासन की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, तो आप खामोश क्यों थे? आपकी इस नपुंसकता की वजह क्या है? देखिए, मैं तो इनसे यह भी नहीं कह सकता, मैं जानता हूं हो क्या रहा है, जो लोग सरकार के रवैये को या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की लड़कियों को टारगेट करने को सही ठहरा रहे हैं, उनके जवाब में कुछ लोग आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। किस तरह का बयान दे रहे हैं कि अरे तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या होता, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या होता। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। उन लड़कियों का क्या दोष है जो इनकी रिश्तेदार हैं? उनकी मुश्किल को समझिए आप। सबसे पहले तो वो इनकी रिश्तेदार हैं, या तो इनकी बहन है या इनकी बेटियां हैं या इनकी रिश्तेदार हैं। सबसे पहले तो इन्हें इस शर्म का सामना करना पड़ता है ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट को। दूसरा, आप सोचिए जो इस मामले में भी लड़की पर दोष मढ़ रहे हों, उनके घर के अंदर हालात कैसे होंगे। तो प्लीज उन लड़कियों को गाली मत दीजिए, उन्हें ताना मत दीजिए, वो दोनों तरफ से पिस रही हैं। आप भी उनको ताना दे रहे हैं कि अगर तुम्हारी बहनों के साथ होता, तुम्हारी लड़कियों के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते। आप भी ऐसा कर रहे हैं। और उनके सामने जो दूसरा बड़ा अभिशाप है वो ये कि वो ऐसे लोगों की रिश्तेदार हैं, ऐसे लोगों की रिश्तेदार हैं। फिर देखिए इनके साथ क्या हुआ था, ये देखिए पुलिस किस तरह से दौड़ती है। अगर आपने सुना होगा, वाकई कैसे मार सकते हैं आप उन्हें, कैसे मार सकते हैं। आपने देखा, मानो वो लड़की जो जमीन पर गिर गई थी कोई अपराधी थी, और कितनी बेरहमी के साथ पुलिस ने उसको मारा, कितनी बेरहमी के साथ उनको पुलिस ने मारा। क्या वो लड़कियां कटघरे में हैं? क्या वाकई वो एंटी नेशनल्स हैं? क्या वो अपराधी हैं? हकीकत यह है कि कटघरे में आप हैं, वो लड़कियां नहीं हैं। कटघरे में सांसद महोदय हैं जो अब तक इस मुद्दे पर खामोश हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लड़कियां नहीं हैं कटघरे में, कटघरे में यूनिवर्सिटी है, गिरीश चंद्र त्रिपाठी हैं, जिनकी घटिया और शर्मनाक सोच इस मामले में सामने उभर कर आई है। कटघरे में लड़कियां नहीं हैं, कटघरे में ये पुलिस है जिन्होंने इतनी बेशर्मी के साथ उन लड़कियों पर हमला किया। वो लड़कियां नहीं हैं कटघरे में, कटघरे में योगी सरकार है। हर तरफ युवा में एक आक्रोश है। आप उसे नौकरी नहीं दिला सकते, और जब आपकी नीतियों के खिलाफ वो प्रदर्शन करता है तो आप उसे टारगेट करते हैं। रोहित वेमुला तो बिल्कुल अलग मामला था। अरे यहां तो वो उनके जीने का सवाल था ना भाई, वो सिर्फ अपनी इज्जत की दुहाई लगा रही थी, वो सिर्फ ये मांग कर रही थी कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे छात्रावास के सामने हमें छेड़ा जाता है, हमें मोलेस्ट किया जाता है, भद्दी भद्दी हरकतें की जाती हैं, और इसके लिए भी आपने उनके साथ कितना अभद्र व्यवहार किया। तो ये है वो सरकार जो कि इस बात पे विश्वास करती है कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार लीजिए, फिर दर्शन कर लीजिए। बहुत हुआ नारी पर वार, थोड़ा संशोधन कर देता हूं, अब तो सुधर जाओ मेरे सरकार। जो सरकार अपने नागरिकों के हित में नहीं खड़ी हो सकती, जब वो आवाज उठाती है तो उन्हें ही हमला करती है, वो सरकार किसी भी सूरत में अपने नागरिकों की सरकार नहीं हो सकती है। बार बार इस सरकार ने उसे प्रमाणित किया है। बहरहाल, मैं यही उम्मीद करता हूं
कि इसका समाधान निकले। वाइस चांसलर साहब बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी जो है उससे सद्बुद्धि मिले और वो वाकई ऐसा माहौल पैदा करे ताकि ये लड़कियां आसानी से वहां जी सकें। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।